ऐसा लोग बोलते हैं कि ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं ये हर एक साल एक तिल के बराबर अपने आप बढ़ते रहते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका दोस्त पंकज आपके साथ है। दोस्तों अभी हम लोग आए हुए हैं सासाराम में, और दोस्तों अभी हम लोग सासाराम तकिया में आए हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मंदिर है जो कि तिलेश्वर धाम इस मंदिर का नाम है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफी भव्य गेट है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर भी है। दोस्तों खास कर यहाँ पर भगवान भोले शंकर का मंदिर है और यहाँ पर अन्य बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर है। सो गाइस चलिए हम लोग यहाँ से मेन गेट से अंदर प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा गेट है मंदिर में जाने के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा गेट है। तो दोस्तों अब हम लोग मंदिर के परिसर में आ चुके हैं, और गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर मंदिर भी है, और दोस्तों ये काफी शांति वाला जगह भी है। यहाँ का माहौल बिल्कुल मनमोहक है। चलिए अब हम लोग यहाँ का जो प्रमुख देवी देवताओं का मंदिर है सब मंदिर को आपको दिखाते हैं। और ये गाइस सामने आप देख रही है जो मंदिर, यही मेन मंदिर है यहाँ का जो की तिलेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का विशाल लिंग है। तो चलिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद यहाँ का और भी मंदिर है देवी देवताओं का मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर नंदी जी का मूर्ति है जो कि आप देख सकते, और ठीक आप मेरे सामने देख सकते हैं ये मंदिर है। चलिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। जय भगवान भोलेनाथ। गाइस जब हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं आप मेरे सामने देख सकते हैं भगवान भोले शंकर का विशाल लिंग। दोस्तों आप ये जो शिवलिंग देख रहे हैं ये बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है, और दोस्तों ऐसा लोग बोलते हैं कि ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं ये हर एक साल एक तिल के बराबर अपने आप बढ़ते रहता है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो शिवलिंग है ये खुद से शिवलिंग निकला है, इसको कोई भी बनाया नहीं है। और दोस्तों ये काफ़ी प्राचीन शिवलिंग है, और ये दोस्तों मंदिर भी काफ़ी प्राचीन है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गणेश भगवान और पार्वती जी का मूर्ति है। सो गाइस चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ का जो अन्य देवी देवताओं का मंदिर है उसको भी आपको दिखाते हैं। काफ़ी भव्य यहाँ का मंदिर है दोस्तों। और दोस्तों ठीक इस मेन मंदिर के बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर यज्ञशाला है, और ये ठीक मेरे आप सामने देख रहे हैं यज्ञशाला जो कि यहाँ पर हर एक शिवरात्रि के दिन में यहाँ पर यज्ञ भी होता है। और दोस्तों यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, और दोस्तों यहाँ पर खासकर शिवरात्रि के दिन काफ़ी भीड़ देखने को मिलता है दोस्तों। और दोस्तों आप ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर शादी विवाह का भी कार्यक्रम होता है। काफ़ी भव्य यहाँ का परिसर है दोस्तों, और बहुत सारे यहाँ पर देवी देवताओं का मंदिर है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर भोले शंकर का मंदिर दिखाया और यहाँ पर यज्ञशाला दिखाया, तो चलिए मैं आपको यहाँ का और अन्य देवी देवताओं का मंदिर दिखाता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुआँ है। और ठीक इस कुएं के बगल में आप यहां पर देख सकते हैं पानी पीने के लिए भी व्यवस्था किया गया है। और ये गाइस यहां पर आप सामने में देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जब शादी विवाह का कार्यक्रम होता है आप यहां पर देख सकते हैं रूम भी बनाए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छा है, और लोगों को काफ़ी सहूलियत भी होती है। और ये सामने आप देख रहे हैं माँ पार्वती का प्रतिमा, प्रतिमा तो नहीं बट लिंग बोल सकते हैं। दोस्तों हमें पता नहीं है कि यहाँ पर माँ पार्वती का लिंग क्यों है, हम यहाँ पर पंडित जी से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर माँ भगवती का लिंग क्यों है इसके बारे में मुझे नहीं पता है, पंडित जी से आप सुन लीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माँ पार्वती का प्रतिमा है, और ये सामने आप देख रहे हैं इस मंदिर के मेन पुजारी जी के लड़के हैं। दोस्तों अभी इस मंदिर के मेन पुजारी जी जो नहीं है वो गए हैं कहीं और,
तो हम छोटे पंडित जी से ही बात करेंगे और इस मंदिर के रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मंदिर आखिर यहाँ पर माँ पार्वती का लिंग के रूप में क्यों पूजा जाता है। मेरा नाम अभिषेक पांडे हुआ जी। आप इस मंदिर के बारे में बताइए और यहाँ पर माँ पार्वती का प्रतिमा लिंग के रूप में क्यों है, हमें यह समझाइए। जो पार्वती माता में शिव जी को अपना वर प्राप्त करने के लिए 12 वर्ष तक केवल उल्टा टंग कर धुआं पी कर रही थी, 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खा कर रही थी और माघ मास में जब मतलब ठंडी का मौसम रहता है उस मौसम में जल में बैठी रहती थी, तपस्या किया करती थी और बैसाख के दोपहरिया में पंचांगी तापा करती थी। यही सब तपस्या की वजह से शंकर जी का वरदान मिला जिससे उन्हें अर्धासन प्राप्त हुआ, वही अर्धासन के रूप में इन्हें यहाँ पे पूजा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इस मंदिर के बारे में बताएं। दोस्तों अभी मैंने आपको यहाँ पर माँ पार्वती जी का मंदिर दिखाया और भगवान भोले शंकर का मंदिर दिखाया और दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ पर एक काफ़ी पुराना पेड़ दिखाऊंगा जो कि 1000 साल से भी पुराना पेड़ है और ये ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं। दोस्तों ये वही पेड़ है जो कि 1000 साल से भी पुराना पेड़ है। मैं आपको पेड़ का रियर कैमरा से इसका व्यू दिखाता और यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कि इस पेड़ पर बहुत सारे पंछी भी हैं जो कि यहाँ के पंछी नहीं है, वो प्रवासी पंछी है यहाँ पर बरसात के समय में, जो कि बहुत दूर दूर से यहाँ पर पंछी भी आए हुए हैं, आपको वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको इस पेड़ का ओवरऑल व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों यही वह पेड़ है जो कि 1000 वर्षों से भी पुराना पेड़ है और यहाँ पर आप ऊपर में यहाँ पर इस पेड़ के ऊपर में आप देख सकते हैं बहुत सारे पंछी भी हैं। तो ये आप पेड़ देख रहे हैं और इसके बगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं राधा कृष्ण का मंदिर। चलिए अब हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। ये राधा कृष्ण मंदिर है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर है और ठीक आप मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पर माँ काली का मंदिर है और उसके बगल में बजरंग बली का है और सबसे किनारे में माँ दुर्गा का मंदिर है। चलिए हम वहाँ पर आपको लेके चलते हैं और यहाँ से ठीक आप मेरे सामने देख सकते हैं मंदिर का मेन गेट आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं राधा कृष्ण का मंदिर है और ठीक इसके यहाँ पर बगल में आप देख सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों RSS का शाखा लगता है और यहाँ पर हर एक रोज़ यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं और यहाँ पर बच्चे भी आते हैं जो कि खेलते कूदते हैं यहीं पर इस ग्राउंड में। तो चलिए हम लोग इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं जो कि यहाँ पर माँ काली का मंदिर है और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पर माँ दुर्गा का मंदिर है। तो चलिए हम लोग इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद यहाँ का और अन्य देवी देवताओं का मंदिर भी आपको दिखाएंगे। और दोस्तों ठीक आप मेरे सामने देख रहे हैं माँ काली जी का मंदिर। जय माँ काली। और ठीक इस मंदिर के बगल में आप देखेंगे यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माँ दुर्गा का मंदिर है। और दोस्तों अब हम लोग मंदिर के बाहर आ चुके हैं और दोस्तों आप यहां का माहौल देख सकते हैं, काफ़ी शांतिपूर्वक वाली जगह है लेकिन यहां पर शिवरात्रि के दिनों में यहां पर बहुत भीड़ देखने को मिलता है, यहां पर काफ़ी बड़ा यज्ञ भी होता है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको यहां का और अन्य देवी देवताओं का मंदिर दिखाता हूँ।
मेरे साथ है इस मंदिर के जो कार्यकर्ता हैं, इस मंदिर में कार्य करते हैं और ये बताएंगे इस मंदिर के बारे में भी और यहाँ पर क्या खास है। तो आपका क्या नाम है? मैंने भी अभिषेक कुमार, नमस्ते सबको, पढ़ा मैं गोरछोकर जी। आप इस मंदिर के बारे में बतलाइए हमें। इस मंदिर के इसलिए जिसका मतलब बताना चाहता हूँ, इसमें मतलब की शुरुआत हम लोग 1987 यहाँ पर जग स्टार्ट हुआ था और ये हम लोग 34वां जग हुआ था इसमें 34वां। और यहाँ पर हम लोग पूरा उमंग उमंग से धूमधाम से हम लोग यहाँ पर जग मनाते हैं। यहाँ पर बहुत दूर दूर का एकदम बहुत दूर दूर का आदमी यहाँ पर पूजा करने आते हैं। बड़ामीर भी आते हैं, मथुरा से पूरा दूर दूर पे इसमें आते पूजा करने आते हैं। फिर से बहुत जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर जैसे शंकर जी का पूरा भक्त हम लोग लास्ट दिन जलभरी होता है, उस दिन पूरा उमंग उमंग से पूरा आदमी पूरा जुलूस में पूरा चलते पूरा फिरते हैं, पूरा पूरा खुशी आदमी इसमें मतलब जगह मनाते हैं। हम लोग जग का निर्माण मतलब 1987 में हुआ था, हम लोग 1987 से हम लोग यहाँ पर जग हो रहा है। और हम ये कहना चाहेंगे कि जिसमें हम लोग शुरुआत में जिस हम लोग जग होते थे पूरा धूमधाम से पूरा भीड़ भाड़ में लगता है एकदम, पूरा भक्त लोग बहुत दूर दूर से आते हैं इसमें बाबा के दर्शन करने लिए, पानी के लिए, प्रसाद पूरा हम लोग का यहाँ पर हम लोग 10 दिन भंडारा चलता है जग में एकदम। तो ये जग आखिर कब होता है? जग जैसे फरवरी में होता है, फरवरी में होता है शिवरात्रि होता है। हाँ, तो और हम लोग यहाँ पर सावन में इसमें हम लोग कुश्ती का भी मतलब होता है, कुश्ती मतलब इसमें होता है सावन के दिन में। सावन के दिन में भी लोग यहाँ पर, हाँ सावन का हम लोग 400 मारी होता है, भीड़ होता है यहाँ पर। सावन का हम लोग 400 मारी होता है, 400 मारी में पूरा भक्त लोग पूरा बहुत दूर दूर से पूजा करने इसमें आते हैं और पूरा उमंग उमंग से पूरा पूजा करते हैं पूरा। तो आप इस मंदिर में कब से रह रहे हैं? हाँ, हम इस मंदिर में 2017 में यहाँ पर आए थे। हम यहाँ पर मतलब में अपना अपने पूजा करने में आते हैं यहाँ पर। अपना कमेटी लोगों में कोई इतना खुशी होकर अपना यहाँ पर कमेटी में अपना जगह बना दिया। उसने बोला कि इस लड़का मतलब कि इसमें क्या खूबी है, इसने लड़का अपनी पूजा अपना करता पाठ करता है, लड़का भी ठीक है। इसलिए हम 2017 में यहाँ पर आए थे तो हम लोग कमेटी इतना खुश हो गया था इसमें अपना में रख लिया। हम इतना मतलब व्यवहार देकर अपना देकर के लड़का ठीक है, मतलब कोई भी काम कर देता मतलब कुछ भी मतलब, इसलिए हमको यहाँ का हेड बना चुके हैं। मतलब आप इस मंदिर के पूरा हेड हैं? हाँ, हेड बन चुके हैं। तो आपसे बात करके बहुत हमें अच्छा लगा और बहुत कुछ इस मंदिर के बारे में जानने को भी मिला, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस यही है बाबा तिलेश्वर धाम मंदिर जो कि सासाराम के तकिया में पड़ता है और काफ़ी भव्य मंदिर जैसे कि मैंने आपको दिखला दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।